उसी वेले जदों तुहानूं जरूरत है उसी वेले ही तुहाडियां ने लोड़ां पूरियां कीतियां। कितने गवाह इस गल दे, इसलिए ये चीजा उन्हूं अज कल ते युगो युग इको जिहा बनाउंदियां। ये नहीं कि उस समय उन्हें अब्राहम दे नाल ही काम कीता, पर अज भी वह यहोवा जिहड़ी है अज भी वह ऐट समय ते साडियां लोड़ां नूं पूरियां करदा है। हालेलुया। हुण परमेश्वर अब्राहम दे नाल वादा कर रहा है कि मैं तेनू बरकता दे बरकता देवांगा। आमीन। वो कह रहा है कि मैं तेनू बरकता दे बरकता देवांगा और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा। ठीक है, पर अजे ओनू कुछ नहीं लग रहा अपने नाम वड्डा होने के बारे, क्योंकि अगे ओनू कुछ दिसदा ही नहीं है। ठीक है, पर परमेश्वर ओनू कह रहा है कि मैं तेनू आशीष देवांगा, तेरा नाम मैं वड्डा करांगा। आमीन। और उन्हें कहा कि जो तेनू तुच्छ जानदे मैं ओनू शराब देवांगा और जो तेनू बरकत देंदे आशीष देंदे ओनू मैं बरकत देवांगा। और ये वादा सिर्फ तेरे नाल ही नहीं, तेरे तो बाद तेरी संतान नाल है। इहदा मतलब यह है कि यह वादा साडे नाल भी है। और अगर असी अब्राहम की संतान हाँ तो साडा विश्वास उहो ही होना चाहिए जो अब्राहम का सी। और अब्राहम उस हनेर काल दे विच डगमगाया नहीं, पर उन्हें ज्यों ज्यों साल बीतते जाते ज्यों ज्यों साल बीतते जाते वह होर ही पक्का हो जाता है, वह होर ही पक्का हो जाता। कई बार तुम प्रार्थना करवाते किसी भी काम के लिए तुम ला सकते, वह अजे तक गल पूरी नहीं हुई होंगी, पर तुम चाहिए कि वो बेप्रतीति ना करो, सगो अब्राहम के वगू होर मजबूत हो जाओ कि प्रार्थना हो चुकी, एक दिन काम होना ही है। तो फिर तुम वेखोगे कि वाकया ही वह काम होना ही है, चाहे फिर बच्चे आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी हो, उन्होंने आज्ञाकारी होना यह थोड़े विश्वास ने करवाना है। जे तुम बाइबल दे विच वेखो तो परमेश्वर सानू इदां दे हालातां दे विचों इसलिए कढ़दा ताकि असी उहदे ते विश्वास करिए, ताकि साडे विश्वास नू मजबूत कर सके। बाइबल च लिखा कि या तुसी भांत भांत दे परतावे विच पवो तेनू पूर्ण आनंद की गल जाणो। ठीक है, क्योंकि तुहाडी नेचर दी परख तुहाडे विच धीरज लियांदी है। अगर कोई तुहाडे ते मुसीबत ना होवे, तुसी कदे किसी बोझन हेठ ना होवो, तो तुसी किदां परमेश्वर ते विश्वास करना सीख सकदे, है ना। मान लो कोई बोझ ही ना अज तक आया होए, सारियां चीज़ें तुहाडे सही सही हुंदियां रहन, जो तुहानूं तुहाडियां जिंदगी दीआं लोड़ां जरूरतां उह बिना मेहनत कीतियां तुहानूं मिलदियां जाण, तो तुम किदा परमेश्वर से डिपेंड होना सीख सकते। कद नहीं, ये तद ही आ या तुसी उस हालात के विचों नहीं लंघे होवो। आवें जो मूसा मिस्र दे विच आ ते वो जे उत्थे रहिंदा है ते उन्हें अपनी शक्ति दे नाल सोचना सी कि वह मैं आ जिहड़ी मैं आने वाला राजा आ, मैं सैना अपने राजे ने राजे की जिहड़ी सैना वह गल मन्नेगी, तो मैं सैनिक शक्ति के जोर नाल मिस्र चो इजराइलियां नूं कढ सकदा। पर परमेश्वर की योजना होर सी, उन्हें उन्हूं उजाड़ दे विचों दी लंघाया, उन्हें उन्हूं सपोरा पत्नी दित्ती झगड़ालू। ठीक है, वह परमेश्वर अपने बंदे नूं तैयार कर रहा सी। इस तरह तुहाडे भी हालात हो सकते, बच्चे अनाज्ञाकार हो सकते, जिदा किन्नियां ने गवाहियां दित्तियां, सुन रहे सारे। ते असी कई बारी डगमगा सकते हैं, पर असी उस वादे वाल वेखिए जिदा अब्राहम वेखता रहा। ठीक है, किन्ने आमीन कहिंदे, उच्ची बोलदे हालेलुया। हुण उहदा बच्चा कोई नहीं, पर परमेश्वर उहनूं कह रहा कि मैं तेनू कौमां दा पिता बनावांगा। ठीक है, पहले उहदा नाम अब्राम सी,
पर जब परमेश्वर ओनू वादा देन वाला ओ वादा कीता पुत्र मिलन वाला परमेश्वर ने ओदा नाम बदल दिता। ठीक है, ओने अब्राहम तो अब्राहम ओदा नाम कर दिता, ओने ओदी पत्नी का नाम बदल दिता। और असी पिछली बार यही गल कर रहे सर नबी ने कहा कि रिक्की या एलविस ना तुसी अपने बच्चों के नाम ये ना रखो। ठीक है, क्योंकि नामा का बड़ा महत्व है, नामा तो ही तुहाडे चरित्र पेश हुंदे आ। किन्ने आमीन कह सकदे? इसलिए परमेश्वर ने उन्हां दे नामा नूं बदलिया, क्योंकि परमेश्वर उन्हूं वादा देन ले जा रहा सी। बड़े ध्यान नाल सुनियो, जदों परमेश्वर ने अब्राहम नूं फड़िया, वेखो उहदी पूरा उहदा जिहड़ा जीवन काल सी 175 सालां दा सी, और इहनूं तुसी तीन हिस्सिआं दे विच वंड सकदे। 75 साल उहदी कोई डीलिंग नहीं आ परमेश्वर दे नाल। 75 साल ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਨਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯਦਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਯਦਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, 75 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ, ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ
ये आशा दा सी, ठीक है। पर 75 तो लैके 100 साल परमेश्वर ने 75 साल की उम्र विच उन्हां नूं वादा दिता, और ये आशा दा समा सी 75 साल तक, और 75 तो लैके 100 साल तक 25 साल ये वादे दा समा सी, और उस तो बाद होर 75 साल अब्राहम जीउंदा रहा, ओह सी प्रगटावे दा समा। किन्ने आमीन कह सकदे हां? हालेलुया। इसलिए जब तक ओ बाबुल दे विच रहा उन्हां तक परमेश्वर ओदे नाल नहीं बोलिया। इस तो पहला कि ओदे नाल बोले, परमेश्वर ने उन्हें बाबुल चो बाहर कढ़िया। इसलिए असि जिन्ने मर्जी कहिए, असि मिशनां दे विच जथेबंदियां दे विच ओ साडे राही रूहां बच रही, आत्मा दे विच नचदे आ, बड़ी वधिया गाउण वाली मंडली आ, पर परमेश्वर कदे भी जथेबंदियां नाल डीलिंग नहीं करदा। और जद भी कोई जथेबंदी बनी, परमेश्वर उन्हां तों अगां चला गया। परमेश्वर ने उत्ते होर बंदे नूं इस्तेमाल कीता। ये परमेश्वर दा कम करन दा तरीका है। हालेलुया। इसलिए ये जिहड़ी तसलीस आ, ये बाबुल तों निकली आ। तीन बंदियां दी भगती बाबुल दी तलीम आ, पर परमेश्वर कह रहा कि हे मेरे लोको, बाबुल दे विचों बाहर निकल आओ, गड़बड़ दे विचों बाहर निकल आओ। हालेलुया। और वेखो कि परमेश्वर ने याद उन्हां नूं कहा कि तू अपने साकां नूं, संबंधियां नूं, पिता दे घर नूं छड़ दे, और मैं तेनू जो जगह दिखाउण वाला उस जगह ते जा। वेखो अब्राहम दा विश्वास उन्हूं दस्या नहीं कि वह जगह कहड़ी आ, इहदे बावजूद तुर पिया। हाँ जी, वह तुर पिया, और हो सकता कोई उन्हें पुछदा होवे कित्थे चलिया, पर उन्हें खुद नहीं पता कित्थे चलिया। इसलिए मैं पिछली बार कहा सी कि जेड़े परमेश्वर दे लोग आ ओह दुनिया वास्ते पागल आ, क्योंकि वह परमेश्वर दे वादे ते विश्वास करदे, और दुनिया दी समझ इन्हां गल्लां नूं उन्हां दी समझ दे विच नहीं आउंदियां चीज़ां। इसलिए यह दुनिया वास्ते पागल आ, ठीक है। भाई महंत ने गीत भी लिखिया, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं। आमें। इसलिए वो लग सकता कि बंदा पागल है, क्या इन्हें सफर शुरू करता, पर इन्हें पता ही नहीं जाना कित्थे इन्हे। तुम बस से चढ़ो, कंडक्टर ने तुम पूछना कित्थे जाना, तुम कहो मैनू पता ही नहीं लई चल, उन्हें कहना बंदा पागल है। नहीं, और अब्राहम ने चलना शुरू किया विश्वास के मुताबिक, पर याद उस जगह पर पहुंचा और परमेश्वर ने कहा कि आ धरती है जिहड़ी मैं तेनू देन वाला है, आ धरती है जो मैं तेरी संतान नू देन वाला है। आमें। और उन्हें परमेश्वर के वचन से विश्वास किया। हम ध्यान दो कि अब्राहम अपने माल डंगर नूं और नाल ही अपने भतीजे लूत नूं नाल लै के उस जगह तो तुर पिया है, ठीक है। और याद असीं बार बार यह गल्लां करदे, ते बाइबल सानूं दसदी आ कि जिन्नियां भी बाइबल दे विच कुछ लोग आ कि पुराने नियम नूं कहिंदे कि इह ते बस खत्म है, इनू पढ़न की लोड़ नहीं है। हुण आपां उन्हां कहा कि यह पुराना नियम खत्म हो गया, हुण नवे नियम का समा आ गया, हुण इनू पढ़न की लोड़ नहीं है। पर बाइबल सानू दसदी आ, संदेश दसदा कि जिहड़ा पुराना नियम आ नवे नियम का परछावां आ। और नबी ने प्रचार किया इसराइल ते
इसराइल दे चर्च कि जो इसराइल दी यात्रा दे समय जो कुछ होया वो चर्च दा नमूना है, कलीसिया दा नमूना है। ठीक है। और पहला करंथिया दस अध्याय 6 सानू दसदा कि जिन्निया भी चीजा इसराइलियां दे नाल उस समय घटिया वो साडे लई उदाहरण ने। किन्ने समझदे गल? हालेलुया। बाइबल दादी के उदाहरण आ कि जिदा वो परमेश्वर के विरुद्ध बोल बड़ाए तो नाश हो गए, ये साडे लई उदाहरण आ कि असी परमेश्वर के विरुद्ध ना बोल बड़ाईए। हालेलुया। पहला करंथिया 10 अध्याय उदिशे है इतने लिखा 5 आयत तो पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर उन्हां विचों बाहरलियां दे नाल प्रसन्न नहीं सी, सगों वह उजाड़ विच ढह पए अते इह गल्लां साडे लई नसीहत बनियां भई असी माड़ियां गल्लां दी कामना ना करिए जिवें उन्हां ने कामना कीतियां सन। ठीक है। इसराइलियां ने अगे कह रहा ना तुसी मूर्ति पूजक होवो जिवें उन्हां विचों कई होए सन, जिस प्रकार लिखा होया है कि जो वह खाण पीन बैठे हसन के खेडन उठे अते ना असी हराम करी करिए जिवें उन्हां विचों कईआं ने कीती अते इक्को दिन दे विच 23,000 जणिआं दे सदर लथे। ठीक है। इहदा मतलब कि जो कुछ वह उन्हां दे नाल घट रहा सी ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਆ, ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜ ਬੜਾਏ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਸੂਰਜ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਮੂਨਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚਲਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
नबी कह रहा कि कुछ लोग हैं वो चर्च के विच आउंदे आ और सोचते हैं कि असीं बच गए ठीक है। कुछ पादरी आ और जब ही उन्होंने कोई संगतियां जो जी आने वो कुछ नहीं करते दबा दब उन्होंने बपतिस्मा देने भावे कह रही है भले आया बपतिस्मा उन्हें कुछ नहीं करना उन्हें कहना कि जल्दी उन्होंने बपतिस्मा दो तो ना मुड़के क्यों ना कहना इन्ने लोग असं बचा ले है ना। हम बड़े ध्यान से सुनियो नबी कह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि असं बच गए हैं पर वेखो की तुहाडा विश्वास वचन के मुताबिक है। हम ध्यान दियो उन्हें फरीसियां के बारे वो इदा का जीवन बतीत करते सन कि उन्हें सोचा कि सानू कोई लोड़ ही नहीं है बचा दी ठीक है लोड़ ही नहीं है क्योंकि असी इस तरीके के नाल चल रहे हैं। वो उन्होंने पिता जाजक सन उन्होंने दादे जाजक सन उन्होंने होर पिछे पिछे चल जाओ वो पीढ़ियों तो जाजका ही करते आ रहे सन और अभी कह रहा कि एक भी चीज सानू नहीं लभदी जिथे सबूत मिलता हो जाजका पथराव किया गया हो किसी हुक्म तोड़न के कारण पर इहदे बावजूद जब यीशु मसीह दे कोल आए और यीशु मसीह ने कहा कि तुसी अपने पिता शैतान तो हो कि तुहानू कुछ गड़बड़ नहीं लगती दुनियावी तौर पर जो सोचा जाए कि एक कोई बंदा जाजका ही कर रहा ठीक है उन्होंने दादे पड़दादे नकड़दादे जाजका ही करते आ रहे और उन्होंने ज्ञान है बड़ा लिखता का उन्होंने कोल संगति आ लोग आ वधिया गाउण वाले आ ठीक है पढ़े लिखे होशियार पवित्र जीवन है उन्हों का और शरा की एक बिंदी भी नहीं कटते पर यदि यीशु मसीह ने कोल आ रहे यीशु मसीह ने उन्होंने कहा तुसी अपने पिता शैतान तो हो इहदा मतलब यह होया कि यीशु मसीह उन्हां नूं मसीहा दा चिन्ह प्रगट कर रहा सी क्योंकि यीशु मसीह उन्हां दे बारे चंगी तरह जानता सी कि ए किस नस्ल दे है ठीक है ओ उन्हां दे रीति रिवाजां दे वल नहीं वेख रहे पर ओ उन्हां दे जीवन वल वेख रहा सी और उन्होंने उपर वह मसीहा वाला चिन्ह प्रकट कर रहा है और बाइबल च लिखा कि जो मसीहा आएगा वो इदा के चिन्ह प्रकट करेगा और चिन्ह की सी वो दिलों के ख्याल बुझेगा और जब वो बुझ रहा और जब ही वो बारे कोई दिमाग के बच्चे गल सोच रहा और यीशु मसीह उन्होंने बारे दस देता कि तू सोचते की है जिदा पिछले सिमोन के बारे से गल कर रहे सन मन दे सोचा कि अगर ये वाकई नबी हुंदा ते इनू जरूर पता लग जाता कि जिहड़ी औरत इहदे पैरां च बैठी आ इहदे पैरां नूं चुम रही इनू पता लग जाता कि असल विच औरत दा चरित्र किदां दा है अगर ये मसीहा हुंदा ये नबी हुंदा ठीक है पर जदों उन्हां नूं चिन्ह विखा रहा उस चिन्ह से बेप्रतीति करते हैं और बेप्रतीति की आ मौत है हमारे वचन से थोड़ी जी बेप्रतीति की और सारे मनुख जाति के उपर मौत में लैके आई इसलिए अज भी वचन के उपर बेप्रतीति मौत है
चाहे चाची कहो कि मैं वेखो इस बाइबल विचों प्रचार करदा, असी भी यीशु मसीह का प्रचार करदे, पर तुसी वचन ते जे बेप्रतीति करदे हो ते ए मौत नूं लैके आउंदा है। किन्ने आमीन कह सकदे हो? नबी ने कहा कि उन्होंने जीवन जाजकां दा पवित्र सी, वह पढ़े लिखे सन, वह होशियार सन, इहदे बावजूद वह पापी सन। नबी ने कहा पापी का मतलब यह नहीं कि वह शराब पीते से, वह विचार करते या ताश खेडते या डांस पार्टियां दे विच जांदे सी, इदा नहीं सी, पर वह इको एक कारण सी कि उन्होंने वचन के उपर बेप्रतीति की। वचन जो कि देता आके वचन देता आके उन्होंने सामने आ गया यीशु मसीह, उन्होंने ओने ते बेप्रतीति की। अगर उस समय बेप्रतीति करन दा कारण मौत सी, ते अज भी वचन ते बेप्रतीति दा जिहड़ा फल आ वह मौत ही है। आमीन। अज जदों बपतिस्मे दे बारे गल कीती जांदी, वह कहिंदे बपतिस्मा जिहदे मर्जी नां च होवे जीवन बदलना चाहिए, तो सिक्ख्या जो मर्जी हो गए। और इसी गल कर रहे कि सिक्ख्या बाइबल चो निकली है तसलीस, और अज भी जिन्हें मर्जी कहो कैथलिक गलत आ गलत आ, तुसी खुद उन्होंने अकीदे सिद्धांतों मान रहे जो तसलीस मान रहे हो। किन्ने आवे कह सकते हालेलुया। और वचन ते बेप्रतीति मौत नूं लैके आउंदा है, इसलिए कोई परवाह नहीं है कि तुसी किन्ना चर्च दे विच आत्मा दे विच नचे हो, किन्नियां तुसी गैर भाषा बोलियां गैर भाषा दी प्रार्थनावां कीतियां हो, आमीन, पर अगर तुसी वचन ते बेप्रतीति करदे, नबी ने कहा तुसी गुआचे होए हो, भटक चुके हो। हालेलुया। इसलिए वचन ते बेप्रतीति मौत लैके आउंदी है। और अब्राहम ने परमेश्वर ते बेप्रतीति नहीं सी कीती, ठीक है, वह वादे ते खड़ा रहा। अज भी अब्राहम के बच्चे उस वादे नूं वेखदे हैं, वह वचन से बेप्रतीति कदे नहीं करते। हालेलुया। आमीन। और बड़े ध्यान न सुनियो, नबी ने कहा कि एक बंदे ने मैंने कहा कि तुसी ये गल्लां छड्ड क्यों नहीं देंदे, क्या तुसी ओ जैसे बंदियां के खिलाफ बहुत बोलते, तुसी औरतों के पहरावे मेकअप पर बहुत बोलते, तुहानूं चाहिदा इन्हां चीज़ां नूं छड्ड देना चाहिदा, ठीक है। पर नबी इस जगह ते कह रहा कि मैं इन्हां नूं नहीं छड्ड सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि हाय उन्हें कहा हाय मेरे उत्ते अगर मैं इन्हां नूं छड्ड देना है। परमेश्वर ने कुछ जिहड़े सच्चे सेवक आ उन्हां नूं इस दे लई घल्लिया कि जो सच आ वो सच प्रचार करन, जो गलत आ उन्हूं गलत कहन। और वेखो कि परमेश्वर सब कुछ पहले तो जानता है। हुण वेखो कि जद परमेश्वर नूह दे समय दे विच आ ते परमेश्वर ने उन्हूं कहा कि तू एक किश्ती बना, और किश्ती की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उन्हूं सारा कुछ दस्सिया, पर परमेश्वर ते पहले ही जानता सी कि बचने किन्ने है, और पहले ही पता उन्हूं एड्डी वड्डी किश्ती बनाउण दी लोड़ ही नहीं सी, जे कदे नूह नूं पता लग जांदा। और परमेश्वर नूं पता सी कि 120 साल के बाद भी इन्ने बचने,
करता गया, करता ही गया, ठीक है। और परमेश्वर बाइबल जी कमाल की किताब है, एक गणित दे उन्नी संपूर्ण है जिनी कि किसी दूजे पास है। जो साइंस के पक्षों वेखो तो साइंस ना बिल्कुल संपूर्ण है, आमीन। क्योंकि एक से बंदे ने राही नहीं लिखी गई, ठीक है। बाइबल लिखा कि जड़े जड़े मनुख सन वो पवित्र आत्मा के नाल उभारे जाते, कलम चुकते सी और फिर लिखना शुरू करते, ठीक है। चाली लिखारी हो और 400 साल का समा हो, ठीक है। और ये बंदे जो चाली आ एक दूजे को आपस में मिले भी ना हो, कुछ बंदे आपस में एक दूजे को मिले भी नहीं आ, पर बावजूद वही गल बोल रहे जो पहले ने बोली। क्योंकि ये 40 हाथ हो सकते पर इन्हों लिखाने वाला एक ही आत्मा है, कि नया में कह सकते। इसलिए जी बाइबल आ परमेश्वर अपने आप तीन दे संपूर्ण करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर ने नूह नूं कहा किश्ती बना ते ओदियां तीन मंजिलां आ किश्ती दियां, किन्ने आमें कह सकदे। इस तरह जदों एक दुनियावी जन्म हुंदा है ओदे भी तीन पड़ा है। एक दुनियावी जन्म दे विच लहू पानी ते उस तो बाद जीवन आउंदा है, ठीक है, आमीन। और इस तरह आत्मिक जीवन के भी तीन पड़ा है जिन्हां दे विचों दी बंदा बच सकता है। धर्मी ठहराए जाना, पवित्रीकरण ते पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा, आमीन। और इस तरह परमेश्वर ने तीन बाइबल लिखिया नबी ने कहा। एक बाइबल उन्हें आकाशा दे विच लिखी, दूजी बाइबल उन्हें पिरामिड दे विच लिखी, और तीजी बाइबल आ लिखती रूप में साढ़े को, आमीन। इसलिए जबूरा दे विच लिखिया आकाश बयान कर दे खुदा दे काम सारे, आमीन। पहली बाइबल आकाशा दे विच लिखी गई, उन्हें इनू राशियां दे विच लिखिया। जब असी तारिया इदा ही आपां वेने ते कोई सानू इदा तारे नजर आउंदे वख वख, पर जो इनू आपां तारिया नू वेखण वाला यंत्र दे नाल वेखीए ते ओह सानू तस्वीरां तारिया दे विच बणियां नजर आउंदियां जो तुसी राशियां दे विच तुहानू नजर आउंदी है, ठीक है। राशियां दे विच तस्वीरां बणियां अखबारां दे किन्नियां ने वेखियां बोलो कुछ। राशि चक्कर जेड़े होंगे और कई थोड़े विचों वेख के चलते भी है, कहते कि अज का राशि फल आया, अज बाहर लैन देन ना करो आ राशि वाले है, इस तरीके दे नाल। और पहली बाइबल आकाशा दे विच लिखी गई, ठीक है। और पहली राशि आ कन्या, और बाइबल दसदी कि यीशु मसीह औरत दे राहीं कन्या राहीं पहली आमद इस धरती उपर आएगा। और आखिरी आ सिंह और यहूदा गोत्र दे बब्बर शेर दे राहीं इस धरती उपर आएगा, किन्ने आमें कह सकदे। हालेलुया। और दूजी बाइबल जिहड़ी लिखी गई वह पिरामिड दे विच लिखी गई। और अगर तुसीं पिरामिड का आकार तुसीं वेखो तिकोणा, ठीक है, ते ओदे उपर अज तक मिस्र दे विच जदों दे बने अज तक उत्ते चोटी का पत्थर नहीं है, क्योंकि चोटी का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है जिहड़ा कि राजां दे राहीं रद्दिया गया सी। इसलिए दूजी बाइबल
पिरामिड दे विच लिखी गई। और तीजी बाइबल ताडे कोल है, किने आमीन कह सकदे आमीन। हालेलुया हालेलुया। और ये जड़ा पत्थर रत्या गया ते यीशु मसीह से पत्थर, और ए ओना तक पिरामिड दी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुंदी जब तक वो चोटी का पत्थर नहीं आ जाता। आमीन आमीन। ध्यान दियो जब लूथर अपने संदेश के नाल इस धरती ऊपर आया, और लूथर का संदेश सी धर्मी ठहराए जाना, ठीक है। और अभी कह रहा कि जो तो उस समय के लोगों ने इस संदेश नु मन्या, यीशु मसीह नु मन्या, ते यीशु मसीह का इकरार करन दा मतलब सी कि साडा सिर जिहड़ा पहला सी ओह कटिया गया, हुण जिहड़ा साडा सिर आ ओह यीशु मसीह है। पर यदि लूथर जिहड़े आ इह जथेबंदी बणी आवें, उहनां ने असल सिर नु रद्द दित्ता चोटी दे पत्थर नु। जदों चोटी का पत्थर रद्दिया गया, परमेश्वर अगे चला गया। उस तो बाद परमेश्वर ने एक होर बंदे नु खड़ा किया, और वह जॉन वेल्जली सी जो पवित्रीकरण के नाल आया। जदों उन्होंने भी सिर नु रद्दिया, कुछ चिर बाद वह जथेबंदी बनी, परमेश्वर अगे चला गया। पेंतीकोस्टल आए, वह चिन्हां चमत्कारां दे नाल आए, गैर भाषा के नाल आए, और यदि उन्होंने भी सिर नु रद्दिया, परमेश्वर फिर अगे चला गया। हालेलुया। इसलिए चोटी दे पत्थर तो बिना ये जिहड़ी बिल्डिंग आ कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। हुण अगर नबी कह रहा उत्थे कि अगर तुसीं उस पिरामिड के उपर ध्यान दिओ, वेखो कि अज सीमेंट सीमेंट की खोज आ, इट्टां बन गई। इट्टां चलो बाबल के समय भी बनिया सी, पर वो पहला जदों ये पिरामिड बने उस समय बिना सीमेंट तो उन्होंने इस तरीके दे नाल पत्थरां नूं कटिया है कि वो इन्ने वधिया तरीके दे नाल फिट किए गए आ कि एक जिहड़ा ब्लेड आ उन्होंने विच नहीं लग सकता। उन्हां दी दड़ाणा जिहड़ियां जिस तरह मान लो इट लाउंदे उहदे विच गैप रह जांदा है, पर जिहड़े पिरामिड आ इस तरीके दे नाल उन्होंने फिट किया गया कि एक तुसी ब्लेड ब्लेड जिन्नी भी दड़ाण उहदे विच नहीं है, इस तरीके दे नाल संपूर्ण किए गए हैं। पर उहदे ते चोटी का पत्थर नहीं है, क्योंकि चोटी का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया उच्ची बोल दे हालेलुया। हुण ध्यान दिओ कि जदों परमेश्वर अब्राहम नूं मिलिया, उत्थे तीन जने आ जो अब्राहम दे कोल आ रहे हैं। वो तीन जने जदों अब्राहम दे कोल आए, अब्राहम ने पछाण लिया कि उन्होंने विच इलोहीम कौन है। आमीन। उन्हें पछाण लिया कि परमेश्वर कौन है, और उन्हें लूत दे वांगू ये ने कहा कि प्रभु हो। उन्हें उत्थे प्रभु शब्द वरते हैं। आमीन। क्योंकि उन्हें ते प्रकाशन सी कि इन्हां विच इलोहीम कौन आ, बाकी ये दूत सी उहदे नाल परमेश्वर दे, जिहड़े बाइबल सबूत देंदी आ कि अब्राहम परमेश्वर इलोहीम अब्राहम दे कोल रहा, और जिहड़े दूजे दूत आ उह सदूम अमूरा दे विच चले गए। किने आमीन कह सकदे हालेलुया। और इसी तरह बाइबल सानू दसदी कि जिदा सदूम और अमूरा ने दिनां दे विच होया, उसी तरह मनुख दे पुत्तर दे आउण दे दिनां विच वी होवेगा। याद असीं पहले गल कर रहे कि ए जिहड़ा
सारी बाइबल नमूनिया लिखी गई है। और वेखो कि जिदा की कंडीशन सदूम अमूरा की सी उस तरह की कंडीशन अज साडे युग की भी है। हुण जदों वो दूत लूत दे कोल जांदे है, ठीक है, जब लूत दे कोल जांदे आ ते वेखो कि उत्थे लूत आ, लूत उन्हां नूं अपने घर दे विच बुलाउंदा, और जिहड़े सदूम और अमूरा दे लोक आ उह होमोसेक्सुअल लोक सी, उत्थे बंदियां नाल बंदे संग करन वाले सी। और यदि उन्हां दूतां नूं उन्हां ने वेख्या, उन्हां ने उहदे घर दा दरवाजा तोड़िया लूत दा, उन्होंने कहा कि जो तेरे घर दे विच बंदे आए आ उन्होंने बाहर कढ़ो, असी उन्होंने जानना है। और बाइबल जिते जानना लिखिया उते वो पॉइंट दे के थले उन्होंने अर्थ लिखिया कि असी उन्होंने नाल संग करना है। इहदा मतलब है कि सदूम अमूरा दे जिहड़े लोग सन वो होमोसेक्सुअल सी, और इस तरह की कंडीशन अज साडे युग की भी है। और परमेश्वर ने कहा कि जिदा सदूम और अमूरा के दिनों में होया उस तरह मनुख के पुत्र के आने दिनों में भी होगा, ठीक है। ये साढ़े लिए चिन्ह है एक कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, एक निशान है कि नहीं हम कह सकते। और जो दरवाजा तोड़ रहे उत्थे वो कहते कि इन्हों बाहर कढ़ो, और लूत उन्हें अगे बेनती करता, उन्हें कहा कि वेखो मेरिया जड़िया कुड़िया जवान आने कुआरिया अजे तक उन्हें किसी आदमी को नहीं जाने, तो जे तुम चाहते हो तो तुम जे मेरे मेहमान आ इन्हों कुछ ना कहो, पर मैं अपन कुड़िया बहर घलदा, और जिदा का तुम व्यवहार इन्हों का करना चाहो तो कर सकते। पर उन्होंने कहा नहीं, जो तेरे घर के बच्चे आए बाहर कढ़ो। और वेखो जदों उन्होंने दरवाजा तोड़ रहे तो बाइबल दसदी कि उन्होंने दूतों ने लूत की बाहर फड़क अंदर खिंच लिया, तो दरवाजा बंद आ, और उन्होंने सदूमी लोगों सारे मना कर दिता, ठीक है। और इस तरह नबी कह रहा कि तीन दूत साढ़े दिनों भी आए हैं। वो तीन दूत आ विलियम ब्रानहम, ओरल रॉबर्ट ते बिली ग्राम। ये तीन दूत आए, और एक दे कोल इलोहीम आ विलियम ब्रानहम दे कोल, और दूजे जिहड़े सदूम दे विच चले गए उन्होंने सारी दुनिया नू अपने संदेश दे राही अन्या कर दिता है। हालेलुया, ताकि जड़ा दूत आ विलियम ब्रानहम जिदे कोल इलोहीम आ वो दुल्हन नू तैयार कर सके, कि नियम कह सकते। हालेलुया। सो ए उत्थे आखरी चिन्ह सी, और यदि परमेश्वर अब्राहम दे नाल मिलदा आ उहनू वादा दिंदा आ, और उस उहदे जान तो बाद उन्होंने शरीर बदल जाते हैं, और यही चिन्ह साडे वास्ते भी है। परमेश्वर विलियम ब्रानहम दे नाल आ, उहदे नाल उन्हें मुलाकात की, उन्हें मोहरां नूं खोलिया, आमें। और वेखो कि हुण साडा नबी साडे तो जा चुका है, और जदों दूत अब्राहम तो चला जाता है, इलोहीम उहदे नाल वादा करके चला जाता है, और दिलां दे ख्याल बुझण दा चिन्ह उन्हां नूं विखा दिंदा है। जदों सारा तंबू दे विच हसदी है, जदों दिलां दे ख्याल बुझे जाते हैं, वो कहिंदी मैं बुढ़ी हाँ, मैं इस समय बच्चे नूं कितना जन्म दे सकदी हाँ। तो जद ही परमेश्वर उत्थों चला जाता, फिर उस तो बाद उन्होंने शरीर बदल जाते हैं। हमें इसी तरह अज है विलियम ब्रानहम
संदेश दे के चला गया और बाकी की रहिंदा है ओ दिलां दे ख्याल बुझण वाला चिन्ह भी असीं वेख चुके ओदी सेवकाई दे राहीं विलियम ब्रानहम ओ स्टेज ते खड़ा होया ने अपनी पिट कमा लई दुनिया दे वल्लों ने इस तरह अपनी पिट कमाई और उन्होंने कहा कि आ भाई जना आया आ पिंड तो आ शहर तो आया एदी आ प्रॉब्लम आ एदी गली दा नंबर आया घर दा नंबर आया ठीक है मतलब कि असीं एक चिन्ह वेख लिया है और बाकी की रहिंदा शरीरां दा बदल जाऊ ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹੋ ਚਿੰਨ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਇਹੋ ਚਿੰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਚਿੰਨ ਉਹਨੇ अपनी सेवकाई दे वेच विखाए जो पतरस नू मिल रहा उन्हे क्या सिमोन बरजुना दे पुत्र वो सिर्फ सिमोन नू नहीं जानता पतरस नू पर उहदे पिता नू भी जानता सी आमीन जो नथानियल नू मिल रहा ਜਦੋਂ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਥਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਰੱਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਪਸ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਰਿਹਾ ਆਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰੀਆ ਨੇ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਮਰੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮ ਹਾਮ ਸੇਥ ਤੇ ਯਾਫਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਠੀਕ ਆ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਆਵੇਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ
और परमेश्वर ने पलूस नूं पराइयां जातियां दे लई रसूल ठहराया सी, ठीक है। और इसी तरह उन्हें पराइयां जातियां दे लोकां नूं यीशु मसीह दे नाम विच बपतिस्मा दित्ता। ते अज लोग बाइबल चुकी फिरदे कहिंदे कि ओ उर्दू दी बाइबल पढ़िया करो, उस ज्यादा प्रकाशन है। अपने लागे जाके वेखोगे तो पहले किसी भाई गल कर रहा सी, कहते एक मीटिंग उन्होंने कहा इंग्लिश की बाइबल लैके आओ, आप पढ़ने की है लोगों के प्रभाव पाने कि मैं इंग्लिश आती है ना, उर्दू की बाइबल लैके आओ प्रभाव पाने। जबकि जी संगति बैठे उन्होंने चार इंग्लिश आती नहीं, तो उत्थे जो तुम इंग्लिश पढ़ोगे तो की पादरी इंग्लिश भी आती है प्रभाव पाने लोगों के। हाँ जी, वो उर्दू की बाइबल के पिछों पढ़ता है, पर बाइबल सब दसदी आ कि अगर कोई प्राई भाषा बोलता तो वह अनुवाद करे, अगर नहीं है तो चुप ही रहे, यदा कोई फायदा ही नहीं संगति। पलूस ने कहा अपनी पत्रियों के उन्हें कहा अगर तुरी पेट गाली मची जाए तो बंदे कल ही तैयार होने, उन्होंने पता ही नहीं लगना है कि असल च ये तुरी जी जिस तरह पहले सी मूसा समय से उन्होंने कहा जब मैं एक बार तुरी बजाव तो तुम इस पोजिशन पर होना, अगर मैं दो बार बजाव या खिंच के बजाव तो उन्होंने ये सिंबल दिते गए से। पर तुसी इतने फड़ लो बाइबल इंग्लिश की या उर्दू की उत्ते तुहाडा ते प्रभाव बन जाएगा कि इन आई है, पर संगति के लिए की फायदा ये। मतलब कि जो भाई जॉर्ज आते हैं बार तो कहते कि भाई रोशन मेरे लिए पंजाब मेरा मूँह है, क्योंकि मैं ना हिंदी आँगी ना पंजाबी आँगी, इन्हों तो बिना मैं प्रचार ही नहीं कर सकता। जिदा भाई दस रहे कि अगर वो आके इतने बोली जाए सानू पता लगना, मतलब साढ़े लाभ ले नहीं है, समझ लग रहे। इसलिए फिर दूजे लफ्जों के चाहे तुम उर्दू बाइबल लै लो, चाहे इंग्लिश की बाइबल लै लो, चाहे बंगाली, चाहे जिहड़ी मर्जी भाषा के लै लो, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम जीओ, जिहड़ी मर्जी बाइबल फड़ लो। और लिखा तौबा करो, तुहाडे हर एक पापो अपने पापा की माफ़ी लई यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लो, तो फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अगर तुसी वचन से बेप्रतीति करनी है तो भावें जिन्निया मर्जी भाषावें बाइबल पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। इदा एक भाई होर कोई चर्च के बंदा आया तो कहता मैं कि भाषावें बोलता, जरा ओपी होर आया जरा चर्च में आए साढ़े को जो कहते मैं इन भाषावें बोलता। हाँ जी, सो कहना मतलब है कि तुम भाषा जिन्नी मर्जी सीख लो या बोल लो, बाइबल जी मर्जी पढ़ लो, असल तुम वचन से बेप्रतीति नहीं करनी चाहिए। और बेप्रतीति मौत है, किन्ने आवे कह सकते। हालेलुया। इसलिए आओ थोड़ी गल करिए जो असं बाइबल के पढ़िया सी, उत्पत्ति किताब बाई अध्याय बस थोड़ा जहा आप कुछ थोड़ा चिर गल करनी चाहते इतने बाई अध्याय दस है। हम ध्यान दौ कि
ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਬਲੀ ਚਾੜ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਮਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਹਾਕ ਸੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇਸਮਾਇਲ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਮਿਆ ਇੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚਾੜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਫੜ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਪਹਾੜ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇਸਹਾਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਆਮਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨਮੂਨਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸਹਾਕ ਨਮੂਨਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਲੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ
फिर उत्थे विश्वास वेखो अब्राहम दा किन्ने आमीन कह सकदे आमीन ओ जिहड़ा जा रहा अपने बच्चे दी किन्ने आमीन कह सकदे आमीन हुण क्यों कह रहे कि जिहड़ा इसहाक आ यीशु मसीह दा नमूना है जिदा यीशु मसीह अपने पिता का वफादार रहा उन्हें उन्हें पूरी आज्ञाकारी की मौत तक वो अपने पिता का वफादार रहा उन्हें कहा पिता जी हो सके तो यह प्याला मेरे तो टल जाए पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो गई। अब्राहम देखो जगवेदी बनाने लिए जिन्हिया लकड़ा चाहिए एक है नहीं कि दो चार लकड़ा हो ना विरोध कर सकता सी। दूजे पासे अब्राहम 100 साल का है 117 साल का ठीक है 100 साल तो उन्हें बच्चा मिलिया इसहाक की उम्र जो बलि चढ़ाने वाला सी 17 साल की सी और अब्राहम 117 साल का है एक बुढ़ा और एक 17 साल का वो विरोध कर सकता सी पर वो तस्वीर या यीशु मसीह की जो अपने पिता का मौत तक वफादार है उन्हें विरोध नहीं किया कि वह कहे कि वेख तू मैं झूठ मार के इतों तक लैके आया और तू तो बड़ा विश्वास करता सी कि बलि ले लेला परमेश्वर आप ही देगा और हुण मैनू तो बाहां लत्तां बन के इत्थे रख लिया समझ आ रही आमीन उहने इदां नहीं किया पूरन मौत तक वफादार रहा जब उहने लत्तां बाहां भी बन लिया वह भी अपने पिता का वफादार ही रहा यीशु मसीह का नमूना है जिन्हिया भी तस्वीर बाइबल सारिया यीशु मसीह का नमूना है सारी बाइबल इस करके लिखी गई यीशु मसीह प्रगट करने योजना प्रगट करने जी उन्हें साढ़े छुटकारे बनाई है किन्ने आमीन कह सकते उच्ची बोलते हाले ले वो वेखो जो लत्ता बावा बन लिया और अब्राहम के विश्वास से तुम ध्यान दो कल्पना करो एक 25 साल एक वादा किते पुत्र उड़ीकदा रहा बच्चा हो गया जवान हो गया हुण उन्हें परमेश्वर कह रहा कि तू इस बच्चे मैनू होम की बलि करके चढ़ा दे कि निकी जी गल है कि वह बच्चा जिन्हों करता है ठीक है पर उस बच्चे कह रहा है कि होम की बलि करके मैनू चढ़ा दे उहदे विश्वास के उपर तुसीं ध्यान रखो ध्यान दिओ उस अब्राहम के विश्वास के उपर और जिन्हें अब्राहम के बच्चे इधर उधर नहीं भजते चंगाई नहीं मिली अजे तक मैनू वो परमेश्वर च कोई खराबी नहीं है तुहाडे विश्वास च खराबी आमीन हुण बाहां लत्तां बन लईआं और परमेश्वर ने इथों तक उन्हें जान दिता इथों तक उहदे विश्वास नूं चैक किया कि वह शुरा बस म इथों तक लै आ कि उहदे मार ही दवे ठीक है और फिर परमेश्वर नूं आवाज दे रहा कि अब्राहम मुंडे नूं पुछ राखी मैं जान गया कि तू अपने इकलौते पुत्र नालों भी वध मैनूं प्यार करदा है ये असल विश्वास है और बाइबल सानू दसदी कि जो मेरे नाल ज्यादा अपनी पत्नी नू बच्चियां नू मेरे तो वध प्यार करदा वो मेरे योग ही नहीं है किन्ने आमीन कह सकदे
और देखो कि अगर उन्हें इदा का विश्वास विखाया तो फिर परमेश्वर ने की इंतजाम नहीं किया, उन्हें किया। और देखो कि जड़ी जगह परमेश्वर ने उन्होंने विखाई, उन्हें कहा जा पिछे झाड़ियों के नेड़ा है, एक छतरा है जिन्हें सिंह एक झाड़ी के फसे हैं, कि तुम यह नमूना नहीं लभ रहा? फिर वह लेला यीशु मसीह है जिसे सिर के उपर कंडिया का ताज रखा गया, ये सिंह झाड़ी के फसे इस चीज को बयान करते हैं। हालेलुया। और वो साडे सारे लिए कुर्बान होया। आमीन। उन्हें कहा वो जो छतरा आ झाई के फसया उन्हें तू लै और हूं की बली करके चढ़ा दे। फिर जब ही उन्हें चढ़ाया, अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा जिर रखा कि परमेश्वर एन समय के लोड़ा पूरिया करता। नवीन क्या देखो पहाड़ की ऊंचाई के उपर लेला इन ऊंचाई तो की करेगा उस जगह पर जाकर, उत्थे ना कोई बस्ती आ लागे कुछ नहीं आ, पर लेला उसे असंभव या होना, पर परमेश्वर ने उस वेले उस छतरे की इंतजाम किया। और यहोवा जिर है वह एन समय से साड़ियां लोड़ां पूरिया करने वाला परमेश्वर है। किन्ने आमीन कह सकते? हालेलुया। इसलिए जो विश्वास अब्राहम का आ वह विश्वास उसके बच्चों का भी है। वह कदे भी कोई लोड़ पूरी नहीं हुई डगमगाते नहीं है, कोई बीमारी नहीं गई डगमगाते नहीं है, फिर गल वो बच्चों की आ गई वह डगमगाते नहीं है, वह पूरे उसके वादे पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उन्हें कहा कि मैं जो तेन बरकत दीतियां वह वादा तेरे तो बाद तेरी संतान नाल है, पर वह बरकत साढ़े वास्ते भी है। सुकाइम ज्यादा हो गया उसे सजाणा मीटिंग के भी सुकंड प्रभु प्रभु तेन बहुत बरकत देवे सारे भैन प्रभु जी।